ऑलरेडी 3 का रन रेट चल रहा है, यहाँ पर हमारे फील्डर साहब ने गेंद को हाथ से धक्का दे के चौके में पहुंचा दी। ये देखो, वाह बेटे चमत्कारी फील्डर। फ्लैशबैक मैच नंबर 8 भिड़ रही है यहाँ पर कोलकाता पंजाब के सामने। कोलकाता यहाँ पे अपना तीसरा मैच खेल रही है और टॉप 4 में बने रहने की जंग की यहाँ शुरुआत हो चुकी है। 5वें रैंक पर है इस वक्त मेरे रिकॉर्डिंग के वक्त कोलकाता, रैंक 3 पर है पंजाब। अपनी सिचुएशन को और अच्छा करना चाहेगी। हमारा रैंकिंग कुछ इस तरह का है गेम का अभी तक। और प्लेइंग 11 की बात कर दूँ, मैं फिर से बता दूँ, हमारे लास्ट मैच का प्लेइंग 11 हमने रखा है दोनों टीमों का। अब देखते हैं क्या मचाते हैं क्रिकेटिंग धमाल। कॉल आता हुआ हमारी तरफ से, मतलब कि पंजाब की तरफ से। कैसे बने, क्यों बने, पुराने मैचेस का हल्का फुल्का हाल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कई लोग कहते हैं एक बार रन डिफेंड करके जीतो। चलो भाई, आज रन चेज नहीं, आज रन डिफेंड करेंगे हम। पंजाब ने टॉस जीतकर पहली बैटिंग का फैसला किया है। वानखेड़े का बेहतरीन मैदान, उसमें पड़ती हुई हमारे क्रिकेट 22 की एंट्री, देखने में खूबसूरत। और जी हाँ, इसका मेन मकसद ये भी है मेरा इस पार्ट को ऐड करने का कि आप लोगों के साथ शेयर कर सके कि लाइक गोल है 1500 का, आपकी उंगलियों में वो ताकत है इसे कंप्लीट कराने की। तो लेट्स डन इट। पहली गेंद का सामना अग्रवाल, साउथ ही वेरी स्पेशल खिलाड़ी हमारे इस चैनल पे, क्यों ओ, उसके लिए आपको KKR CSK का मैच देखना होगा। 4 रन यहाँ पे अग्रवाल के बल्ले से, सॉरी KKR और RCB का मैच देखना होगा। यहाँ पे चौके से आगाज हमारा बढ़िया है। आप लोगों का सजेशन जो पिछले मैचों में था रन डिफेंड वाला, सफल लग रहा है। 15 ओवर में 148 काफी खुश हूँ मैं। 72 पे धवन सेंचुरी आराम से बन सकती है। लिविंगस्टोन 50 टच करने वाले हैं। मेरा अभी लाइव स्ट्रीम की याद झूठ नहीं कहूंगा गई नहीं है, तो बहुत डर रहा हूं मैं। 2 लेना चाहेंगे, छोड़ो यार रख रनिंग में। ठीक है 49 पे पहुंचे, 50 का मौका था इसी गेंद पर। ठीक है स्ट्रेट, आई थिंक सबसे बेस्ट होगा शॉट, और सही डिसीजन 50 के लिए जाते हुए। शॉट अच्छे लग रहे हैं, 2 के मौके नहीं बन रहे हैं। 32 गेंदों में 50, लेकिन मैं चाहता हूँ आने वाली 10 गेंदों में ये 200 तो मिनिमम खेलें स्ट्राइक रेट। टॉगल किया है हमने, ये क्या है और कहाँ अपील हो रही है। देखो खाली कीपर अपील कर रहा है, गेंदबाज को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे मालूम है नॉट आउट है। विदाउट अ डाउट कैच ड्रॉप फिर कैरी किया यहाँ पर। ठीक है कैच ड्रॉप तो नहीं था, लेकिन हाँ आई सेट से मिस हो गया था, नजरें हट गई थी गेंद पर से, पर टिका लिया किसी तरह से लास्ट मोमेंट्स पर। अब देखेंगे तो गेंद बल्ले से कनेक्ट होने के बाद बॉडी पे लग चुका था कीपर के, लेकिन लग कर ऊपर गया, वक्त मिला जैक्सन को कैरी करने का, मिस नहीं किया है। 50 पे पारी समाप्त होती लिविंगस्टोन की। हे शाहरुख खान और गॉन। अरे यार हो गया है यहाँ पर। इस वक्त सुनील नारायण का खौफ चलता हुआ यहाँ पर। इंडिया में तो फॉग चलता है और पता नहीं एडवर्टाइज में क्या क्या चलता है, लेकिन इस वक्त मैदान पर चलता हुआ सुनील नारायण का जलवा। कीपर को भी जाएगा क्रेडिट कि मिस नहीं किया। गोल्डन डक उमेश यादव, यॉर्कर लेंथ गेंद, तेज हिट, मैं तो 6 के लिए खेल रहा था, मिस कर गया मैं। चौका स्ट्रेट, अभी भी बहुत मौके थे, बहुत ही मौके, और 6 मैक्सिमम क्लीन हिट यहाँ पे अपनी गेंदों पे करते हुए यादव की। शिखर धवन 100 डिजर्व करता है मेरे ख्याल से। यॉर्कर ये पैरों पे कैसे चिपक गई। 144 भाई अर्ली ले शॉट, क्या कर रहा हूँ मैं। 6 था यार ये, अभी तक 14 रन। अलग गेंद, बाउंसर यहाँ पर फ्लिक किया है उसको, इजीली 2 आएंगे यहाँ पे। अरे रनिंग का है स्लो है, क्या कर रहे हो यार। 86 आधा दौड़ गए थे बाबा, धवन पूरा नहीं गया थे। एक नए ओवर की शुरुआत में सबसे बेस्ट थिंग हुई है कि सुनील नारायण के पास गेंद नहीं है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ओए पर बढ़िया पेस, शॉर्ट चॉइस पूरा दिखा रहा है, स्विंग कर रही है गेंदें गिरने के बाद, एंगल का भी फायदा। 180 इस ओवर में डिजर्व करते हैं हम लोग। लॉफ्टेड पे 4 जाता हुआ, काफी क्लोज रहता हुआ, आइडियल था सब कुछ। ये गेंद 6 जानी चाहिए थी, नो आइडिया क्यों नहीं गई। मिड विकेट, बड़े हिट, और यॉर्कर इस बार आइडियल गया, इस बार 6 गया है। लगता है पिछली बार की जो मेरी गलती थी, जो गेम की गलती थी, वो उसने काम किया उस पर और 6 देते हुए इस बार। धवन पहुंचते हुए नर्वस 90s में, काफ़ी क्लोज है 100 के। एक भी हिट और सेंचुरी यहाँ पे लग सकती है। एटीट्यूड तो भाई मेरा अग्रेशन वाला ही है। ठीक है गेंद ऐसी दिए कि फिर ये वही आइडियल टाइमिंग पे, लेकिन शॉर्ट चांस पूर जाता हुआ। क्या धवन, शिखर धवन
शतकवीर धवन बनेंगे, दो के लिए दौड़ने की इच्छा है, इस जगह से निकाले गए रन, क्लोज हो सकता है, डायरेक्ट अभी तक लगी नहीं है और इस बार भी मिस किया है। 54 गेंदों में शतक जड़ते हुए शिखर धवन इस इनिंग को एक नई शिखर पे पहुंचाया है। मेरे चेहरे पे हल्का फुल्का स्माइल फिर आता हुआ क्योंकि यहाँ पर शिखर धवन, अरे सुनील नारायण नहीं है, मैं दो दौड़ चुका हूँ, ठीक है, निकालते हुए दो रन आउट हो सकते थे बाबा। मैं बता दूँ बाबा का रेटिंग अराउंड 40 या 50 है, धवन रहते तो 210 भी पॉसिबल है। भाई बीट क्यों नहीं, क्यों हो रहे हो, लेट दिखा रहा है टाइमिंग, हर एक दो गेंद तो टेस्टिंग में चली जाती है मेरी। वी नीड 6 धवन भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा, ये भी चलेगा, एक और बाउंड्री मुझे चाहिए होगी, स्क्वायर कट चलता हुआ इस बार, चौका धवन के नाम। यॉर्कर लाइन पे वापसी, फील्डर डीप में मौजूद है, मैं को नहीं लग रहा क्या होगा, 6 है ये, ओपी, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमारे साथ होता था जब हम बॉलिंग करते थे, कई बार हमें लगता था एक रुकेगा रुकेगा रुकेगा, हाइट थी लेकिन लग रहा था दूरी तय नहीं कर पाएगा, लेकिन जब गिरा है गेंद तो भाई सीधा स्टैंड से, थैंक यू सो मच यॉर्कर्स डालने के लिए। ये एक ऐसी लाइन है जिस पर मैं पहले से ही सेट होके आया हूँ, चाहे वो धवन हो या बाबा। लास्ट ओवर के लिए रसल, फर्स्ट बॉल बाउंसर, मैं अर्ली पोजीशन में, आइडियल टाइमिंग से खेला हुआ शॉट है, दो के लिए जाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे बाबा को नहीं लाना चाहिए स्ट्राइक पर ठीक है, और 4 में 6 फिर बाउंसर, फिर इस बार अर्ली आउटसाइड एजेस, चलो अच्छा है एटलीस्ट धवन की स्ट्राइक आ गई है क्योंकि ये ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। 39 balls, लाइन इतनी कंफ्यूजिंग है ना, स्ट्राइक रोटेट होगा रोटेट होगा, एक ही रन है एक ही रन है। बाबा की स्ट्राइक, क्या बाबा लगाएगा बाबा वाला शॉट, नहीं भाई ये तो बीट हो रहे हैं लेट शॉट के साथ। 147 पे टच करते हुए लास्ट गेंद आता हुआ यहाँ पे, बाबा से उम्मीद तो कम है लेकिन अगर चौका लगा देते हैं तो मैं काफ़ी खुश हूँ। 210 की जो लिमिट है वो हम क्रॉस करेंगे, शॉट अच्छा, मैं तो दौड़ने वाला हूँ, दो आउट टू आउट बॉलर पे, अरे यार खत्म, अरे 207 पर ही रुका है यहाँ पे पंजाब, और लास्ट गेंद पर रनआउट के रूप में बाबा का विकेट गंवाते हुए। थ्रो तो भाई ठीक था, रनिंग में बहुत दिक्कत है, ऊपर से हुक शॉट था पुल शॉट था तो रनिंग ऑलरेडी डाउन हो गया था। आउट में बाबा 8 पर, 207 पर रुका है पंजाब। अब मैं चाहता था 10 रन और बन जाते तो ज़्यादा अच्छा, 215 डिजर्व करते थे। मैच समरी कुछ ऐसी, शिखर धवन अंत तक नॉट आउट रहे हैं, 20 ओवर के मैच में से 50% बॉल्स इन्होंने खेली और 118 मारे हैं, करंट रन रेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा। चलिए करते हैं हमारा रन डिफेंड जो आप लोग चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे रन चेज, मजा आने वाला था, देखते हैं कितना मजा आता है। वेंकटेश अय्यर और इनफॉर्म रहाने जा रहे हैं कि आ रहे हैं, अच्छा अंदर से निकल गए, सही है, संदीप शर्मा के सामने पहली गेंद और बढ़िया फील्डिंग, क्लीन 4 था, बच गया। इसे कहते हैं बराबरी पे लाके रोकते हैं, 148 थे हमारे, इनके 144 हैं, दो प्लेयर पूरी तरह से सेट हैं, हमारे लिए और ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अय्यर और राणा दोनों 50+ पर हैं, सिनारियो तो ऐसा लग रहा है कि कोलकाता के लिए मुश्किल है। लेग साइड शॉट, बहुत ही सही सोच, बहुत ही सही सोच, और ये फील्डर रोक लिया, घुटनों से रोकते हुए गेंद, पंजों से रोकते हुए गेंद, तलवे से रोकते हुए गेंद, एक रन बचा पाए हैं। 29 balls, 61 run, आई थिंक ये नो बॉल हो सकता है, फील्डर के पास फिर मौका है, चमत्कारी फील्डिंग परफॉर्मेंस दिखाने का, दिखा दिया है, ठीक है इस बार 2 पे रुकेंगे, 3 दौड़ जाएं तो फिर आउट होंगे। 2 रन आया हुआ और नो बॉल ना हो बस, दोनों गेंदों पे तेज लॉफ्टेड अटैम्प्ट, यहाँ पर जो मेन हिट था वही मिस हो गए, वहीं के वहीं रुकता हुआ गेंद, धीरे गेंदें डालने का यही तो फायदा है। फिर चमत्कारी फील्डिंग दिखानी होगी, ये फील्डर आज बहुत चमत्कारी फील्डिंग दिखाएंगे, अरे रन आउट 2 निकाल दिए, फिर 12 का रिक्वायर्ड है, 4 गेंदों में 7 आए हैं, यहाँ पर आउटसाइड एज डॉट, आखिरी गेंद यॉर्कर, बिग हिट नहीं, वाइड हो सकती है आई थिंक, अंपायर का भरोसा नहीं भाई, क्लोज वाइड का भरोसा नहीं, ये देखो वाइड नहीं दी, वाइड थी लेकिन नाच रहे हैं ये तो हाथ मलते हुए। ओके बाबा गेंदबाज भी है भाई बाबा, अरे स्लोवर गेंदे तो कमाल की आउटसाइड है जिस, राणा को एंगल पे पकड़ते हुए, बहुत धीरे आ रही है गेंदे, 37 में 67 इनसाइड एज, ओके चमत्कारी फिर परफॉर्मेंस, अरे यार फिर हरप्रीत बना रही है शायद, अरे बाप रे, 30 में 52 शॉट ग्राउंड, क्यों ग्राउंड शॉट पे आ गया यार, अभी तो लग रहा था कि अरे नहीं वो हरप्रीत ब्रांड नहीं है भाई, वो दोनों पाजी वहाँ पर हैं, इधर भी पाजी उधर भी पाजी,
सात रन बिग हिट इस ओवर का मिल गया है, चार रन 11 के साथ ओवर समाप्त हुआ है, लेकिन रिक्वायर्ड 13 या 14 थे, तो दो तीन रनों का अंतर रहा है, और अभी दो तीन रनों का अंतर अगर पांच ओवर रहता है तो 15 का अंतर हो जाता है वो। स्मिथ का लास्ट ओवर मैच का यहां पर 18वां ओवर, मिडल स्टंप लेग स्टंप बचता हुआ बीट, अय्यर का कॉन्फिडेंस डाउन है, स्टेमिना डाउन है, इसीलिए शॉट्स भी बीट होते हुए हमें लग गई है लॉटरी यहाँ पे। रन रेट 18 का, आरसी 20 होता तो छक्का मारते हैं, ठीक है छक्का तो नहीं है, फिर चमत्कारी परफॉर्मेंस, अरे यार चमत्कारी फील्डर यार, रुक रुकना चाहिए था, ये पैर भी घुसा देते हैं बाउंड्री में, वो दिक्कत है। पांच गेंदों में छः, सिर्फ छक्का ही है जो सिचुएशन बदल सकता है, लेकिन आउटसाइड एज में डॉट दे रहे हैं यहाँ पे, राणा भी बीट हो रहे हैं, अय्यर भी बीट हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस से भरपूर पंजाब बाबा को एक और ओवर देती हुई, फील्डर की लाइन में है ये भी शॉट, ठीक है दो का अटेम्प्ट देखना चाहिए था। ये बता दूं मैं, रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है, अगर कोई संबंध पाया जाता है इस वीडियो का तो उसे मात्र और मात्र एक संयोग कहा जाएगा। फाइन लेग पर कैच हो रहा है, अबे ये इन तेरी धक्का दे दिया गेंद को, मजे ले रहे हैं भाई गेम वाले भी हमारे, वो खुद उधर नहीं देख रहा कि क्या था ये गेम वाला, रिप्ले भी दिखा रहा है, चलो भाई देखो क्या हुआ, ऑलरेडी 3 का रन रेट चल रहा है। यहाँ पर हमारे फील्डर साहब ने गेंद को हाथ से धक्का दे के चौके में पहुंचा दी, ये देखो वाह बेटे चमत्कारी फील्डर, 10 में 35 कुछ ज्यादा ही हंस रहा हूँ मैं, फिर वही दिशा में, इस बार भी वन बाउंस, सही है शॉट लग ही नहीं रहे बेचारों से, एक रन 9 चौके, देखा जाए 4-5 भी लगा दे तो बड़ी बात है, स्टेमिना ही नहीं, चमत्कारी चमत्कारी चमत्कारी, अरे भाई हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, 2 आ रहा है, 8 में 32 भाई, अब हर बॉल पे आपको चाहिए चौके, 8 चौके, मैं बता दूं 3-4 तो लग सकते हैं, छक्के भी लग सकते हैं, लेकिन 8 चौके 8 गेंदों में आई थिंक पॉसिबल नहीं है, छक्कों की मदद लेनी ही पड़ेगी, और ये फिर उसी दिशा में, फिर एक नहीं 2 दौड़ रहे हैं, रनिंग ओपी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से स्टेमिना तो है नहीं। 6 में 29 चाहिए, आखिरी ओवर, स्पिनर का फर्स्ट बॉल बीट, और देख सकते हैं चिंता चेहरे पे, भाई ये आउट होंगे तो ही जीत सकता है बाकी तो नहीं, और ऊपर से 5 में 29 तो बहुत मुश्किल है, गिन लो भाई 5 में 29, ये तेज शॉट फिर फील्डर की लाइन में, मैं तो रनआउट की उम्मीद कर सकता हूँ, दौड़े ही नहीं, 4 में 28 भाई खत्म, गेम बच गया भैया। चलो मान लो अगर राणा शुरू से खेलते होते तो क्या होता, क्या इनसे छक्के लग रहे हैं, नहीं भाई ये तो पवेलियन जा रहे हैं, ये छक्के नहीं लगा रहे, इनकी पारी समाप्त होती हुई, स्पिनर्स को अगर मैंने पहले लाया होता तो शायद हालात और ख़राब होते, पर भाई हाँ हमारे प्लान में नहीं था, हम नॉर्मल गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी जा रही थी, बदलाव की जरूरत थी नहीं तो सोचा भी नहीं, 78 पे पारी समाप्त। चलो मान लो अगर ये दोनों नहीं खेल रहे होते, कोई नया खिलाड़ी आता तो क्या करता, नारायण का फर्स्ट बॉल पे 6, ओ भाई साहब सब स्टेमिना और कॉन्फिडेंस का अंतर था, 6, बड़ी देर हुई सुनील नारायण, ओ फिर से कैच, ओए ले क्या किया, अबे क्या किया तूने, मुझे रिप्ले दिखाओ भाई इसका, छक्का तो नहीं है मुझे पता है, 2 ही आए हैं शायद, मिसफील्डिंग कर रहे हैं, रन आउट बॉलर पे, हाँ सही है, अबे 3 दे दिए शायद, भाई मुझे खुद को नहीं मालूम यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, ये ठीक है डाइव की इन्होंने, फिर गायब हुए थे कुछ देर के लिए, अच्छा ठीक है डाइव मार के अंदर ढकेले, फिर ये क्या था हवा में स्पाइडरमैन, चलो भाई विकेट विकेट विकेट, लास्ट बॉल है, विकेट जीत तो मिल गई है, आई स्लिप में जा सकता था, 189 पे रुकता बॉल, पंजाब इज योर विनर फॉर टुनाइट्स मैच नंबर 8, शिखर धवन आई थिंक विल बी द मैन ऑफ द मैच, 18 रन की जीत, कंफर्टेबल जीत, आसान जीत हर तरीके से मेरे लिए, और रीज़न मैं ये दूंगा कि आई थिंक श्रेयस अय्यर का जो कॉन्फिडेंस था अंत में डाउन था, राणा को ज़्यादा मौके मिले नहीं और उस कारण से, और जो शॉट्स इन्होंने लगाए थे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे सब वन बाउंस सब फील्डर की लाइन में गए मोस्टली, इस कारण से ये 18 रनों की हार मिली है, और रैंकिंग कुछ इस तरह का बन गया है, हमारे चैनल पर रियल लाइफ चैनल में तो आपको कुछ घंटे बाद का अपडेट मिलेगा, और भाई हाँ एक बार फिर मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, लाइक गोल कर देना, जिस तरह से शिखर धवन ने बैटिंग की है, जिस तरह से हमारे चमत्कारी फील्डर्स ने फील्डिंग की है, वैसे आप लोग अपनी उंगलियों से कमाल दिखाना, लाइक 1500 करवा देना, देखते हैं रियल मैच में क्या होता है, ध्यान रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय बाय टाटा गुड डे टेक केयर सी यू सून।